हम लोग सब आज कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने के लिए आए हैं, इसलिए कि कोरोना चल रहा है। आज हम 4 महीने से कुछ भी सब कलाकार घर बैठे हैं और सारे लोग सक्षम नहीं है, ऐसी हालत हो रखी है। सरकार ने कुछ दिया किट तो उससे क्या होना, कुछ भी नहीं होना है। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करें कि हमारी जो मांगे आगे तक पहुँचाएँ और हम कलाकारों के लिए करें, गाने वाले, बजाने वाले, नृत्यकार, जादूगर, साउंड वाले और जितने भी हमारे प्रोग्राम में जो लाइट, ये जितने भी है जो प्रोग्राम के निमित्त है, उन सब की एक ही इच्छा है और एक ही वाणी है कि हमका जो हमके लिए कुछ न कुछ करे। इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने के लिए। मैं महेंद्र सिंह पंवार, लोक गायक, मारवाड़ लोक संगीत संस्थान के अध्यक्ष बोल रहा हूँ, महेंद्र। आज हम लोग जो राजस्थान को भजन गायक और जो भजन के पैसे से जुड़े हुए लोग हैं, वाद्य यंत्रों वाले और वो सब साउंड सिस्टम, उनके लिए हम प्रतिनिधिमंडल के तौर पे हम लोग आए हैं। हुआ यह है कि सार्वजनिक जो आयोजन बंद हुए हैं भजन कीर्तन के, बड़े आयोजन भी बंद हो गए, छोटे आयोजन भी बंद हो गए, तो इनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। और सरकार ने, जो राज्य सरकार ने 2 महीने के राशन के लिए खाद्य सुरक्षा वाली लिस्ट निकाली थी, उसमें इस समुदाय का नाम ही नहीं दिया गया। अब इनकी रोजी रोटी भी बंद है और खाद्य सुरक्षा वाला भी नहीं है। लॉकडाउन लंबा चलेगा तो इनका जीवन यापन और परिवार की बहुत ही विकट स्थिति आ गई है। तो हम जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि इन लोगों का नाम भी उस लिस्ट में आए, जिससे इनको राहत सामग्री जो गवर्नमेंट से मिलने हैं वो इनके घर पहुँचे। कम से कम कमाने को नहीं है तो खाने का राशन तो गवर्नमेंट इनके घर पर पहुँचा दे। और दूसरा, अगर सरकार कोई सुविधा दे तो कई अशिक्षित अज्ञानी लोग हैं जो कहीं पंजीकृत नहीं हो पाए, किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए, तो उन असंगठित लोगों को लेके हमने कलेक्टर के सामने ज्ञापन दे रहे हैं कि जिससे इनकी समस्या सुनी जाए, इनका भी खाद्य सुरक्षा में नाम आ जाए और थोड़ा इनका रिलीफ मिले। जो छोटे आयोजन है, डांगड़ी रात वगैरह, सत्संग कीर्तन, पारिवारिक स्तर, उनकी अनुमति दे दी जाए जिनसे इनका छोटे खर्चों से इनका जीवन यापन हो सके। ओ खम्मा 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 रे कमरे।